मुस्तफा मुस्तफा रहनुमा रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आज सबको पता है, कल एक मुर्तद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और यहाँ के नौजवानों ने यह तय पाया कि इसके लिए बतौर बाज़ार में हम इकट्ठे होकर एक ज़बरदस्त इस मामले की मजम्मत करेंगे और एहतजाज करेंगे। तो थोड़े से वक्त में हमने लोगों को इकट्ठा किया और लोग बात की, तो हम यहाँ मस्जिद में इकट्ठे हुए। उस प्रोग्राम के मुताबिक हम जैसे ही बाहर निकले, हमने नाराबाजी शुरू की कि जिस आदमी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसको सजा दी जाए, उसको फांसी दी जाए। ये कहते हुए हम आगे बढ़ रहे थे कि बटोर पुलिस की फोर्स हमारे आगे आ गई और यहाँ के SHO साहब कह रहे थे कि दफ़ा 144 है, हम आपको आगे नहीं जाने, क्योंकि इसमें से बेशतर लोगों को ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर जो दफ़ा 144 है। तो फिर सबूत के तौर पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रामन का हुक्मनामा हमें बताया, जिसमें लिखा हुआ था कि बाकी 144 दफ़ा जो है यहाँ पर लागू है। तो हमने भी किसी कोई ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं की, करते हुए ये फैसला किया अपने नौजवानों को एहतमाम में लेकर कि कानून की खिलाफवर्जी नहीं करनी चाहिए और कानून का साथ देना चाहिए। और हमने जो यहाँ पर FIR दर्ज करवाई है, हम उसकी कापी हासिल कर लेंगे, जो कि हमने हासिल कर ली है। हमारा यही मकसद था कि हमारी तरफ से यहाँ पर एक FIR दर्ज हो जाए और हमारा जो गुस्सा है वो हुकूमत की ऐसा हुकूमत के जो बहरे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहाँ तक पहुँच जाए। हमें तो सबसे ज़्यादा अफसोस ये है कि रियासी की जो डिप्टी कमिश्नर है या SP साहब हैं, उनको कल ही इस बात का सबूत देना चाहिए था कि जिस आदमी ने इस किस्म की हरकत की है उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाता। लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया कि सुबह जम्मू में आग लगती है या नहीं लगती है, जब यहाँ पर मुजाहरे होने लगे तो फिर जाकर उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। चलो बहुत अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, हम यही उम्मीद करते हैं अपनी हुकूमत से, खासकर गवर्नर साहब से हम ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे वाकात को रोकने थामने की पूरी कोशिश की जाए और हर ज़िला इंतज़ामिया को हुक्म दिया जाए कि अगर कोई इसका मुर्तकब होता है तो फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको सजा दिया जाए।